Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Algebra of events पर मैं आपको एक example बताता हूँ. Example है, consider the experiment of rolling a die. एक die को roll किया, ये experiment है. यहाँ पर हम के लेते हैं दो event A. A क्या है यहाँ पे? Say A is getting a prime number. एक prime number वो A event है और B क्या है? Getting an odd number. B क्या है? Odd number. तो आपको बताना है A और B, A and B, A but not B and not B. ये आपको बताना है ऐसी. तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर इवेंट है सैंपल पॉइंट, तो उसके क्या होंगे सैंपल स्पेस रोलिंग का डाई का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका सैंपल स्पेस होगा रोलिंग का डाई. अब इवेंट ए के अंदर आपके आउटकम्स क्या होंगे? गेटिंग अ प्राइम नंबर 2, 3, 5. इवेंट बी के अंदर आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पे? वो आएंगे गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1, 3, 5. अब सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है ए और बी की. ए और बी यानी कि ए का यूनियन बी के साथ, देखिए जब दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 5. यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा और यूनियन आपको निकालना आता है, सेट थ्योरी के अंदर आपने किया है. नेक्स्ट आपको क्या बताना था सेकंड में? ए और बी, ए एंड बी. ए एंड बी क्या होता है? ए एंड बी दोनों का कॉमन होता है, इंटरसेक्शन होता है. तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? आप देखें 3 और 5 दोनों में कॉमन है, किया जाएगा. उसके बाद आपको बताना है ए बट नॉट बी. ए तो है लेकिन बी नहीं. ए बट नॉट बी का मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी. अब ए माइनस बी क्या आएगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो. तो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो सिर्फ 2 आएगा आपका. और उसके बाद आपको क्या बताना है? नॉट बी आपको बताना था कि नॉट बी आपका क्या होगा? नॉट बी आपका होगा बी डैश. और बी डैश क्या होगा? सैंपल पॉइंट में से, सैंपल स्पेस में से आप बी को माइनस करा दीजिए. अब बी के अंदर क्या है? 1, 3, 5. तो 1, 3, 5 छोड़ के आपके पास क्या बचेगा? 2, 4, 6. ये आपका आ जाएगा बी के लिए. तो ये एग्जाम्पल था बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स.